वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए काढ़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दियों में काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। जब ज़्यादातर लोगों को खांसी, बुखार, जुकाम की समस्या होती है, तो इस काढ़े को पीकर आप जल्दी से रिकवर हो सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तुलसी ली है, तुलसी की कुछ पत्तियाँ, अदरक लिया है और दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, और उसमें फिर मैंने यहाँ पे दो छोटी इलायची ली हैं और 8 से 9 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 तेज़पत्ता लिया है। अब मैं काली मिर्च, लौंग और इन सारी चीज़ों को हम क्रश कर लेंगे। तेज़पत्ता को छोड़ देंगे, तेज़पत्ता को हम बाद में डाल देंगे ऐसे ही तोड़ के। उसके बाद मैं इसको छोटा छोटा बिल्कुल क्रश कर लूँगी सारी चीज़ों को। उसके बाद मैंने एक पैन में 1.5 कप पानी रखा है। पानी को हल्का गर्म हो जाने देंगे और जो सारी चीज़ें हमने जो कूट ली हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अभी बचा है तेज़पत्ता, तेज़पत्ता को हम तोड़ के इसमें डाल देंगे। और अभी हम जो है गैस की फ्लेम लो कर देंगे। हमें इसे पकाना है बहुत देर तक, यानी 10 से 15 मिनट तक हमको इसे पकाना है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जो है गुड़ ऐड कर दूँगी। गुड़ बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, सर्दियों में आपको ज़रूर खाना चाहिए। तो मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पे रख दिया है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो ये काढ़ा लगभग बन के तैयार हो गया है। तो आप इसको क्या है खाने के बाद लें, खाली पेट ना लें, क्योंकि ये गर्म होता है। और काढ़े की क्वांटिटी को भी हिसाब से लें। तो ये काढ़ा शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में ये बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो आप इसको ज़रूर लीजिए अगर आपको जो है खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।